Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Dr. Shweta Sharma और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दांतों में फिलिंग कराने के बाद यानी कि मसाला भरवाने के बाद हमें क्या क्या खाना चाहिए और कितने समय के बाद क्या कुछ हम खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मसाला जब सेट हो जाता है, फिलिंग जो है वो जब प्रॉपर सेट हो जाती है, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको एक दिन के लिए जो जनरली प्रिकॉशन होता है वो अभी मैं बता देती हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नहीं है तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जब भी दो तरह की फिलिंग होती है, एक होती है सीमेंट, हम जिसे कहते हैं GIC, जो जनरली होती है ग्लास आयनोमर सीमेंट, GIC, वो बिना लेजर वाली होती है। उसके अलावा जो सेकेंड होती है वो लेजर वाली फिलिंग होती है, जिसे हम कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कहते हैं। तो जो GIC है यानी कि बिना लेजर वाली जो सीमेंट है, उसमें थोड़े से ज्यादा प्रिकॉशन हो जाते हैं। उसके अलावा जो कॉम्पोजिट होती है, लेजर वाली होती है, उसमें ज्यादा प्रिकॉशन नहीं होते हैं जनरली। तो सबसे पहले हम सीमेंट वाली जो रेस्टोरेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी आपकी सीमेंट से रेस्टोरेशन की जाती है, तब आपके दांत के ऊपर थोड़ी सी कोटिंग लगा दी जाती है। तो बेसिकली जो हमारी सीमेंट होती है उसको सेट होने के लिए कम से कम आधा घंटा या फिर एक घंटा चाहिए रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पानी पीते हैं या फिर कुरला करते हैं, तो जो पानी है वो सीमेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से जो सीमेंट है वो सेट नहीं हो पाती है। तो इसलिए एटलीस्ट आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए आपको वो कॉटन वहीं पे रखनी है, ताकि जो हमारा सलाइवा है यानी कि जो हमारी लार बनती है वो भी दांत के कॉन्टेक्ट में ना पाए। उसके बाद आप इस कॉटन को निकाल सकते हैं और कम से कम एक घंटे तक यानी कि फर्दर फॉर 30 मिनट्स आपको कोई भी कुरला नहीं करना है या फिर खाना या पीना नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर एक घंटा देंगे तो सीमेंट प्रॉपर सेट हो जाएगी। अलोंग विद दैट, फॉर 24 आवर्स यानी कि एक दिन तक, जिस तरफ से आपकी सीमेंट की रेस्टोरेशन हुई है यानी कि मसाला भरा गया है, उस तरफ से आपको कुछ भी खाना नहीं है। तो जो भी आप चबाएंगे वो दूसरी तरफ से चबाएं, केवल एक दिन के लिए। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं दोनों तरफ से, आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन की यानी कि लेजर वाली फिलिंग जिसे हम कहते हैं। इस रेस्टोरेशन में जनरली प्रिकॉशन के लिए कुछ भी नहीं बोला जाता है, पर आपको थोड़ी सी आदत पड़ जाए इस रेस्टोरेशन की, क्योंकि कई बार पेशेंट्स को अजीब लगता है, तो इसलिए आप 24 आवर्स तक दूसरी तरफ से खाना खा सकते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल कंटिन्यू कर सकते हैं दोनों तरफ से प्रॉपर खाना चबाने के लिए। अब जनरली पेशेंट्स में कंप्लेंट आती है कि मैम हमने रेस्टोरेशन कराई थी, मसाला भरवाया था, वो बार बार निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में जनरली एक तो यही रीजन होता है कि जो सीमेंट है सेट नहीं होती है कई बार ड्यू टू सर्टेन रीजंस। अगर आप पानी पी लेते हैं या फिर कुरला कर लेते हैं या फिर विद इन 24 आवर्स आप उस पर प्रेशर लगा देते हैं, तो कई बार GIC की जो फिलिंग है वो कई बार निकल जाती है। या फिर एक बहुत जनरल रीजन होता है Class 2 cavity, यानी कि जब दो दांतों के बीच में हमें मसाला भरना रहता है तो ऐसी कंडीशन में वो बार बार निकल जाता है। क्योंकि अगर कैविटी दांतों के बीच में होती है तो उसको पूरा दांत चारों तरफ से पकड़ लेता है, इसलिए वो बार बार नहीं निकलती है। पर अगर दांत के बिल्कुल साइड में कैविटी है, वहां पे हम मसाला भरते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए काफी कम दांत ही बचता है। तो ऐसी कंडीशन में वो रेस्टोरेशन बार बार निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब भी आपकी रेस्टोरेशन निकलती है, आपको तुरंत डेंटल क्लिनिक विजिट करना चाहिए और अपनी फिलिंग को दोबारा से रिफिल कराना चाहिए। ये जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जनरली फ्री में वापस से कर दी जाती है, कोई इशू नहीं आता है। सो येस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो नीचे लाइक जरूर कर दें। अलोंग विद दैट, इफ यू आर नॉट ऑन द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।